लोकसभा चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म करते हुए 11 सीटें अपने नाम कर दी है, लेकिन एक सीट पर अभी भी संशय बरकरार है। दरअसल जयपुर ग्रामीण की सीट, यहां पर सबसे कम मार्जिन से भाजपा ने जीत हासिल की है। यहां पर भाजपा के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने यहां पर भाजपा के लिए सीट तो निकाल ली, लेकिन वोटों का मार्जिन बहुत कम रहा। लगभग 1615 वोटों से ही यहां पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इसको लेकर जब चुनाव परिणाम आए थे तब भी कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और मतगणना वापस करने के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन किया गया था, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। उस समय वहां पे वे कांग्रेस के सभी और कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा जो है वहां पर धरने पर भी बैठे थे। इस पूरे मामलों के लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। अब इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल चोपड़ा ने मतगणना के प्रोसेस को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं और उन्होंने धांधली की बात कही है। ऐसे में इस पूरी मतगणना को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद में इसके ऊपर सुनवाई होनी है। अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। उस समय अनिल चोपड़ा द्वारा उनके अधिवक्ताओं द्वारा अब दलीलें पेश की जाएगी। दरअसल जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा सीट है शुरू से चर्चाओं में रही और हॉट सीट बनी रही। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, सभी में जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही थी और जीत का मार्जिन भी कम बताया जा रहा था। हालांकि जीत का मार्जिन कम रहा, लेकिन यहां पर भाजपा ने सीट निकाली। दरअसल पूरा विरोध तब शुरू हुआ जब 4 जून को लोकसभा सीट के लिए जब मतगणना हुई, जयपुर ग्रामीण की जब मतगणना हुई तो इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। दरअसल 2738 वोट जो डाक मतों के थे उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा यहां पर खारिज कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। इसके बाद में इस पूरी सीट को लेकर विरोध शुरू हो गया। दरअसल जो जीत का मार्जिन था वह 1615 वोटों का ही था। ऐसे में जो खारिज किए गए मत थे उससे भी कम जीत का मार्जिन था। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस पूरे मतगणना को लेकर सवाल उठाए। इसी को लेकर विरोध भी दर्ज किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई गई। इसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने उस समय इस आपत्ति को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा वहां पर धरना भी दिया गया, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। इसके बाद में इसके मतगणना के योग को वापस योग किया गया। इसके अलावा मतगणना को वापस रिकाउंटिंग नहीं किया गया। इसको लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा द्वारा याचिका दर्ज करवाई गई थी। अब इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस याचिका के अगली सुनवाई 13 अगस्त को है। अब इसमें जिस तरह से सुनवाई होती है, अगर मतगणना वापस होती है और खासकर जो खारिज किए गए डाक मत है उनको वापस देखा जाता है, तो अब अगर कुछ उसमें गलत पाया जाता है और उनको काउंटिंग में शामिल किया जाता है, जिस तरह से परिणाम होंगे, अगर कांग्रेस के पक्ष में वो मत होते हैं तो ऐसे में भाजपा को एक सीट का नुकसान और हो सकता है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट में इस याचिका को स्वीकार किया गया है। अभी तक इसमें जीरह होगी और दोनों पक्षों द्वारा दलीलें पेश की जाएगी। इसके बाद में ही कुछ परिणाम सामने आ पाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह का जो है परिणाम सामने आता है। लेकिन जिस तरह से अनिल चोपड़ा लगातार लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में इस पूरे मामले में लगातार विरोध करते हुए नजर आए हैं, इस सीट में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, कांग्रेस के पक्ष और कांग्रेस के समर्थक इस पूरे परिणाम को लेकर विरोध करते हुए नजर आए। राव राजेंद्र सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार है और यहाँ से लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, उन्होंने TV9 से खास बातचीत करते हुए यहाँ कहा था कि अगर यह पूरी मतगणना का प्रोसेस जो हुआ है वह सही तरीके से हुआ है, अगर कुछ भी गलत पाया जाता तो मैं खुद से अपने सांसद पद से इस्तीफा दे चुका होता, मैं खुद अपनी जीत स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो भी मतगणना हुई है वह सही तरीके से हुई है, मतगणना की टोटलिंग भी वापस हो चुकी है, ऐसे में ये जो परिणाम है यह सही है। हालांकि अनिल चोपड़ा लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब मतगणना वापस होती है या नहीं, क्या कांग्रेस के खाते में एक और सीट जाती है, क्या कांग्रेस की जो 11 सीटें हैं वह एक और बढ़ जाती है, या भाजपा के खाते में ही यह सीट रह जाती है, यह राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। सुमित देवड़ा, TV9, जयपुर।